नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हारमोनियम गुरु में। मैं गुरप्रीत सिंह एक बार फिर से हाजिर एक नया वीडियो लेके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक तीन ऐसे अभ्यास बताने जा रहा हूँ। अगर आप उन अभ्यास को फॉलो करते हैं हर एक थाट में, हर एक स्केल से, तो आपको बहुत ही अच्छी और बहुत ही जल्दी सुर की समझ हो जाएगी, सुर की पकड़ हो जाएगी, और प्लस आपकी जो हारमोनियम पे बजाने की स्पीड है वो भी बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। तो ये जो मैं आपको आज अभ्यास बताने जा रहा हूँ, ये आपको अभ्यास हेल्प करेगा जब आप कोई भी गाना निकालने बैठते हैं हारमोनियम पे, तो तब आपको सुरों की समझ होना बहुत ज़रूरी है। तो ये अभ्यास आपको उसके लिए भी हेल्प करेगा कि आपको कोई भी गाना निकालना हो तो आपको उसमें हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपके लगभग सुर इससे कवर हो जाएंगे, आपके स्वर पक्के हो जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला अभ्यास जानेंगे। तो यहाँ पे मैंने तीन स्वरों का कॉम्बिनेशन लिया है, सारे गा, यानी कि मैंने तीन स्वर लिए और इनके छह पैटर्न बनाए हैं। तो इसको हम पहले पहली काली से जानेंगे कैसे आपको इसका अभ्यास करना है। देखिए, ये देखने में तो आपको बिल्कुल आसान लग रहा है कि ये तीन स्वर हैं, बट आप जब इसको करेंगे तब आपको इसका फर्क पता चलेगा कि ये बोलने में कितना आसान है और करने में कितना डिफरेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है अभ्यास आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल स्लो स्लो करके दिखाता हूँ कैसे है। देखिए, सा रे गा सा गा रे रे सा गा रे गा सा गा सा रे गा रे सा। ठीक है, ये अभी मान के चलिए आपने ये इसको याद कर लिया। अभी इसको आप तेजी से कितना भी तेज बजाना है आपको, पहले इसको ठहराव से करना है, बिल्कुल स्लो, कि आपके दिमाग में ये सुरों का पैटर्न बैठ जाए। जैसे सा रे गा सा गा रे रे सा गा रे गा सा गा सा रे गा रे सा। जब आपके ये पैटर्न दिमाग में बैठ जाए, फिर आप इसका थोड़ा लय बढ़ा सकते हैं, स्पीड इसकी बढ़ा सकते हैं। सा रे गा सा गा रे रे सा गा रे गा सा गा सा रे गा रे सा। ठीक है, जब ये चीज़ हो जाए आप इसको आकार में भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, जब इस स्केल पे आपका ये अभ्यास अच्छे से हो जाए, फिर आप इसको डिफरेंट स्केल से भी ट्राई कर सकते हैं, यानी कि आप इसको दूसरे स्केल से भी ट्राई कर सकते हैं। अभी दूसरे स्केल से ट्राई करके देखो। सा रे गा सा गा रे रे सा गा रे गा सा गा सा रे गा रे सा। तो ये देखने में आपको एकदम आसान लग रहा है, बट ये इतना आसान नहीं है। जब आप इस पैटर्न को करने बैठेंगे तब आपको इसका पता चलेगा कि ये कितना आसान है और कितना मुश्किल है। इस तरीके से जब आपका ये दूसरे काले से हो जाए, इसका लय बढ़ा के फिर तीसरा, चौथा, सारे सारे स्केल पे आपको करना है, और प्लस स्केल और सारे थार्ड। अभी देखिए, हमने शुद्ध वाला किया, फिर कोमल वाला करिए, कोमल वाले भी करिए। ठीक है, इस तरीके से आप इसका अभ्यास करेंगे। तो अभी क्या है, अभी हम दूसरा देखते हैं, दूसरा अभ्यास में क्या करना है आपको। अभी दूसरे अभ्यास में जो स्वर है वो शफल में है, यानी कि एक सीक्वेंस में नहीं है, एक पैटर्न में नहीं है, वो मतलब कि स्वरों में जंक है, यानी कि सा के बाद डायरेक्टली गा पे जा रहे हैं, और रे के बाद हम मा पे जा रहे हैं, फिर पा गा से पा पे जा रहे हैं, तो जंक है स्वरों में, शफल है। ठीक है, तो अभी इसको अभ्यास, इस अभ्यास को भी देखते हैं कैसे करना है। पहले यही अभ्यास आपको शुद्ध स्वरों में करना है, बिल्कुल स्लो स्लो करेंगे हम। देखिए कैसे है? सा गा रे मा गा पा मा धा। ठीक है, जब ये धा तक हो जाए आपको एक बार रुक जाना। देखिए कैसे करना है, सा गा रे मा गा पा मा धा। फिर रे मा गा पा मा धा पानी, रुक जाना है। फिर गा पा मा धा पानी धा सा। ठीक है, तो ये भी एक पैटर्न है जिसे हम अभ्यास करेंगे। तो जब आपका ये थोड़ा, आपको स्लो में इसलिए बोल रहा हूँ कि आप, आपके दिमाग में ये पैटर्न बैठ जाए, जब ये पैटर्न बैठ जाए फिर आप इसको कितना मर्जी तेज कर सकते हैं। तेज करने से भाव है सागर। देखिए, सा गा रे मा गा पा मा धा रे मा गा पा मा धा पानी गा पा मा धा पानी धा सा। ये आपके ऊपर निर्भर है, आप इसको कितना मर्जी तेज कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसका अवरोह भी कर सकते हैं। सेम इसी को उल्टा कर दीजिए, साधा नी पाधा मा पागा नी पाधा मा पागा मा रे
धामा पागा मारेगा सा। ठीक है, जब ये चीज़ आपकी इसी स्केल पे हो जाए फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट स्केल में करना है और डिफरेंट डिफरेंट थाट में करना है। यानी कि पहले भी हम इसको अभी भिलावले में बजा रहे हैं, आप भैरव में भी कर सकते हैं, कल्याण में भी कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट थाटों में इसको अभ्यास कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्केलों में अभ्यास कर सकते हैं, तो ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अभी जो सबसे मुश्किल काम आने वाला वो है तीसरा अभ्यास। तीसरा अभ्यास थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये स्वरों का जो पैटर्न है काफी लंबा है, ठीक है, और ये शुरुआत में जब आप गाएंगे तो शायद आपको थोड़ी बहुत इसमें सांस की भी दिक्कत आ सकती है क्योंकि ये एकदम स्लो में गाने वाली चीज़ नहीं है। अगर स्लो में गाएंगे तो आपका सांस फूल जाएगा, ये एकदम में स्पीड में गाने वाली चीज़ है। तो बट फिर भी हम इसको ट्राई करते हैं कि हम कैसे इसको अभ्यास कर सकते हैं, अभ्यास में ला सकते हैं। तो अभी देखते हैं आपका तीसरा अभ्यास। अभी ये जो आपका तीसरा अभ्यास है, अभी आप करने को आप इसको करेंगे कैसे, क्योंकि इतने सारे स्वर एक साथ याद करने थोड़े मुश्किल है। तो सबसे पहले आप पहली लाइन पकड़ेंगे, पहली लाइन में क्या है देखिए, सा रे गा गा रे गा गा रे गा गा रे सा। पहले आप खाली ये पहली लाइन ही पकड़ोगे, पहली लाइन जब तक आपकी अच्छे से थोड़ी स्पीड में नहीं हो जाती तब तक आप दूसरी लाइन पे नहीं जाओगे। कैसे, सा रे गा गा रे गा गा रे गा गा रे सा। ठीक है, जब ये हो गई फिर इसको अगली लाइन पे जाओ, दूसरी पे गा गा रे सा गा रे गा रे सा रे सा रे। ठीक है, जब दूसरी हो जाए फिर तीसरी पे गा गा रे सा गा गा रे सा गा रे सा रे सा सा। जब ये सारा एक बार आपका अच्छे से हो जाए फिर आपको ये कैसे गाना है देखिए, असलियत में आपको ये ऐसे आना चाहिए, सा रे गा गा रे गा गा रे गा गा रे सा गा गा रे सा गा रे गा रे सा रे गा गा रे सा गा गा रे सा गा रे गा रे सा रे सा सा। तो ये आपको एक ही सीक्वेंस में बोलना है, यानी कि एक ही सांस में कवर करना है ये स्टेप। ये जो स्टेप है थोड़ा मुश्किल, एक बार मैं और आपको सारा बजा के दिखा देता हूँ। सा रे गा गा रे गा गा रे गा गा रे सा गा गा रे सा गा रे गा रे सा रे गा गा रे सा गा गा रे सा गा रे गा रे सा रे सा सा। ये आपको पूरा जितनी भी मात्रा है तो देखा जाए तो इसमें टोटल कितनी मात्रा है, 2, 4, 6 और 6, 12, 12, 6, 18, 18 टोटल देखा जाए तो ये टोटल 22 मात्रा का है, तो 22 और 24 मात्रा के अराउंड है। तो ये आपको एक ही सांस में लेना, जब ये चीज आपकी हो जाए आप इसको दूसरे स्केल से कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं। सा रे गा गा रे गा गा रे गा गा रे सा गा गा रे सा गा रे गा रे सा रे गा गा रे सा गा गा रे सा गा रे गा रे गा रे सा रे सा सा। ठीक है, तो आप दूसरे स्केल से कर, इसी तरह तीसरे से, चौथे से, फिर पांचवे से, हर एक स्केल से आपको ये आना चाहिए। और ये चीज आप डिफरेंट डिफरेंट स्वरों में भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो कॉमन स्वरों में कर सकते हैं, यानी कि आप पहले रे कॉमन ले लीजिए फिर गा कॉमन ले लीजिए, इस तरीके से आप हर एक स्वर के इन पैटर्न को अभ्यास कर सकते हैं। तो ये जो पैटर्न है आपके गले को इतना अच्छा बना देंगे और प्लस आपके स्वरों की पकड़ पर इतनी अच्छी पकड़ हो जाएगी आपकी, आप कोई भी गाना निकालने बैठेंगे, जब आप कोई भी गाना गाने बैठेंगे तो आपके गले में आपको खुद ही फर्क नज़र आएगा कि आपको इनका कितना बेनिफिट होने वाला है। दूसरी, आपके हारमोनियम पे, अगर आप हारमोनियम बजाना सीख रहे हैं तो आपके हारमोनियम पे उंगलियों में बहुत अच्छी रनिंग आ जाएगी, आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी, हारमोनियम पे स्वरों की पकड़ हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ये अभ्यास, तीन अभ्यास मैंने बताए, आप इनको बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये देखने में आपको शायद आसान लग रहे हैं, जब आप करने बैठोगे हारमोनियम पे ये स्वरों का जो पैटर्न है ये थोड़े मुश्किल है, एकदम से नहीं आएंगे। ये कम से कम आपको एक ही पैटर्न को दो दो तीन तीन एक एक घंटा बैठ के ही करने पड़ेंगे, तब जाके आप इसको बजा पाएंगे। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।